सब्सक्राइब करें फूड टिपर्स एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टिपर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वॉलनट ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। एक कप मैदा लिया है हमने, एक कप चीनी, दो अदद अंडे, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, 50 ग्राम्स मिल्क चॉकलेट है, आप डार्क भी यूज़ कर सकते हैं, 100 ग्राम्स बटर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 कप अखरोट है, इन्हें मैंने क्रश किया हुआ है, और 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कर लेंगे। मैदा डाल दिया है हमने एक बड़े बाउल में, बेकिंग पाउडर, नमक और कोको पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। मक्खन और चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे। देखें, ये मक्खन के अंदर ही मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली है। अब दोनों अंडों की सफ़ेदियाँ और जर्दियों को अलग अलग कर देंगे। अब सफ़ेदियों को एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसे बीट करेंगे जब तक कि सफ़ेदियाँ फ्लफ़ी हो जाएं। टू मिनट्स तक मैंने सफ़ेदियों को बीट किया है और ये काफ़ी फ्लफ़ी हो चुकी हैं। अब इसी में मैंने जर्दियाँ शामिल कर दी हैं। अब इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से बीट कर लेंगे इसे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। चीनी मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें बटर और चॉकलेट का मिक्सचर ऐड कर देंगे। इसे भी हम 2 मिनट्स के लिए बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर अखरोट शामिल कर लेंगे। इसमें मिक्स करने से ये होगा कि अखरोट नीचे नहीं बैठेंगे और ब्राउनी के ऊपर ही रहेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करते जाएंगे। इसे अब हम विस्क नहीं करेंगे, बस हल्के हाथ से हमने इसे मिक्स करना है। ये देखें, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। ये 8 इंच का पैन लिया है मैंने, इसे मैं बटर से ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ब्राउनी के बैटर को इस बॉल में डाल देंगे। थोड़े से वॉलनट्स मैं ऊपर से डाल रही हूँ, आप चाहे तो मत डालिएगा। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में हाई टेम्परेचर पर रख दूँगी। ये 800 वॉट्स का है तो इसमें मुझे 5 मिनट लगे हैं। बाकी बेकिंग के टाइमिंग्स आपके माइक्रोवेव पर डिपेंड करते हैं, किसी में 5 और किसी में 7 मिनट भी लग सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ब्राउनी निकाल के चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली कुक हुई है कि नहीं।
एक टूथपिक की मदद से मैं इसे चेक करूंगी। ये देखें, ये क्लीन आई है, इसका मतलब ये प्रॉपरली कुक हो चुकी है। अब हम इसे कट करेंगे। अब मैं इसका एक पीस निकाल रही हूँ, इसे मैं सर्विंग प्लेट में रख दूंगी। ये देखें कितनी अच्छी तैयार हुई है हमारी ब्राउनी। इसे हम हॉट ही सर्व करेंगे। अब इसके ऊपर हम आइसक्रीम रखेंगे। और ये वनीला आइसक्रीम मैंने घर में तैयार की है, इसे बनाना बहुत आसान है। दो क्रीम्स के पैकेट को मैंने व्हिप किया, उसमें 1 कप मैंने कंडेंस्ड मिल्क का शामिल किया। कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। और 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के शामिल कर दिए और इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीज करने रख दिया। ये आइसक्रीम बहुत ही ईजी है और बहुत ही यमी तैयार होती है। इंशाल्लाह आगे चल के मैं इसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ब्राउनी पर 1 स्कूप मैं वनीला आइसक्रीम का रख रही हूँ और इसको चॉकलेट सिरप के साथ में गार्निश कर लूँगी। तैयार है हमारी मज़ेदार सी हॉट वॉलनट ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यमी डिज़र्ट बनता है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।